अच्छा ऐसे ही पकड़ो क्या, ठीक है रोक रोक रोक। गुड मॉर्निंग फ्रॉम खरदुंगला विलेज। और जस्ट नाउ हम लोग खरदुंगला विलेज पे आके पहुँचे, और खरदुंगला विलेज एक बहुत ही सुंदर सा एक जगह है, और यहाँ से खरदुंगला टॉप अराउंड 35 किलोमीटर होगा। और चाय पीते पीते आप लोगों को कल क्या हुआ था हम लोगों के साथ, और सुबह कहाँ से जर्नी स्टार्ट किया उसके बारे में बताते हैं। जो फोटो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये जगह का नाम है टीमोर, और रात को हम लोग यहीं पे थे टीमोर पे। क्या हुआ, जब हुंडर से हम लोग डिस्किट आया, और डिस्किट पहुँचते पहुँचते हम लोगों का हो गया था शाम का 8:30। तो हम लोग डिस्किट में आके चाय पीने के लिए रुक गए, और एक अचानक एक स्ट्रीट डॉग आके मेरे को काट के गया, तो थोड़ा सा और डर लग गया और खून बह रहा था। तो मैंने मेडिकल शॉप पे गया, पूछा वो वैक्सीन वगैरह टिटनस लगाने के लिए, बट वो लोग बोला यहाँ पे नहीं है, तो आपको जो भी मिलेगा ले सिटी में ही मिलेगा। तो मैंने बाइक उठाया फिर चलने लगा, तो चलते चलते मेरे को टीमोर आया, और टीमोर में ये लोगों को मैंने रिक्वेस्ट किया, तब हो रहा था अराउंड 10:30 रात का। तो ये लोग बोला ठीक है हम लोगों के साथ रह जाओ, तो ये लोग के साथ रह गया था रात को। सुबह यहाँ से ही बाइक स्टार्ट किया, जर्नी स्टार्ट किया ले के लिए। हम लोग अभी पहुँच चुके हैं नॉर्थ पोलू खरदुंगला विलेज से 11-12 किलोमीटर के बाद आएगा, और यहाँ से खरदुंगला टॉप अराउंड 14-15 किलोमीटर के बाद यहाँ पे छोटा छोटा चाय का दुकान मिल जाएगा आपको, स्नैक्स वगैरह आपको मिल जाएगा। खरदुंगला विलेज छोड़ के आया, और खरदुंगला टॉप यहाँ से 14 किलोमीटर, ठीक है, खरदुंगला विलेज से खरदुंगला टॉप अराउंड 30-33 किलोमीटर होगा, ठीक है। We can sit together, it's so beautiful, you and me, we meant to be, in the great outdoors, forever free. कुछ ही देर में हम लोग खरदुंगला पहुंच जाएंगे, और राइडर्स का सपना होता है खरदुंगला टॉप पे जाके एक सेल्फी ले लूं, और
खरदुंगला टॉप वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरवेल रोड है। इसका एल्टीट्यूड है 17,982 फीट और थोड़ी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे। यह है खरदुंगला टॉप। देखो नजारा, देखो क्राउड है बट नजारा भी इसका बहुत ही खूबसूरत है। वो है गुम्फा, गुम्फा लेके जाता हूँ। देखो वो है गुम्फा, खरदुंगला गुम्फा। ये खरदुंगला का टॉप गुम्फा। ये रोड लेक के लिए चला जाता है, हम लोग इस रोड से आए हैं। सारा बर्फ ही बर्फ। ये है ऐसे बोलो क्या? ठीक है, रोक रोक रोक। घोड़े 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 बोलो, एक मिनट इसका फोटो ले लो, तीन फोटो ले लो, एक फोटो ले लो, एक फोटो ले लो। निकलो निकलो अभी यहाँ से खरदुंगला टॉप से निकल रहा हूँ। हम लोग खरदुंगला के भाई लोग, दोस्त जो भी है, आप लोग प्लीज ड्राइव केयरफुली। रोड इज वेरी टफ, वेरी डेंजरस है। आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो कितना टफ है। ये देखो गाड़ी है, आर्मी का गाड़ी, नीचे गिर गया तो उठा के रखा, ठीक है। देखो अभी कैसा रोड है, देखो वो रोड उधर से तो वो होके आराम से केयरफुली चलाना, ठीक है। हड़बड़ी नहीं इसमें कोई भी, लाइफ दोबारा नहीं मिलेगा आप लोगों को।
नजारा देखो। अभी हम लोग ले टाउन में इंटर कर रहा हूँ, अभी तक टाउन आया नहीं। ले टाउन को बोलता है जॉइंट कैपिटल एंड लार्जेस्ट टाउन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इन इंडिया। अभी लोग अब लोग देख रहे हो ना, लेफ्ट राइट में मेरा घर, जो घर अलग ही है यहाँ का देखने, यहाँ बिकॉज यहाँ पे लार्जेस्ट रिलीजन इज बुद्धिस्ट, बुद्धिज़्म सबसे ज़्यादा रिलीज यहाँ पे डोमिनेट है, उसके बाद आता है हिंदू, नेक्स्ट जैन, सिख, इस्लामी, थोड़ा थोड़ा करके पॉपुलेशन है लोगों का। बट वन मोर थिंग, यहाँ पे जो बुद्धिस्ट लोग हैं, मैं एक चीज़ देखा हूँ, ये लोग बीफ और पोर्क और ये सब यहाँ पे अलाउ नहीं करता है, ये लोग पीसफुल रहता है। और मेरे को अभी जल्दी पहुंचना है, जल्दी पहुंच के मेरे को जल्दी हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल जाके मेरे को वैक्सीन लगाना है, कल मेरे को कुत्ता ने काटा। तो ले हॉस्पिटल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके मेरे को वैक्सीन लगाना है, उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेके खाना खा के फिर मेरे को ले टाउन को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेना है, और आजू बाजू में क्या है वो भी देख लेता हूँ, खाना क्या मिलता है वो भी खा लूँगा, बस इतना ही। मेरा लेफ्ट राइट में जो भी घर दिखाई दे रहा है ना, ये सब होम स्टे भी है और ऐसे पर्सनल घर भी है। इसका नज़ारा कुछ अलग ही है, लद्दाख रीजन में ले आता है, और ले एक सिटी तो है ही, यहाँ पर एयरपोर्ट मिल जाएगा आप लोगों को, यहाँ पे बसेस का फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे आपको मैं थोड़ा थोड़ा मेरे को जानकारी है, ज़्यादा जानकारी नहीं है, आपको यहाँ पे लोकल टैक्सी वगैरह मिलेगा जगह आने जाने के लिए। और ये जो सब दिखाई दे रहा है ना, ये सब सिटी है, एंटर कर गया हम लोग अभी सिटी में, और यहाँ पे मेन मार्केट है, जो ले मार्केट है ये सामने से रास्ता चला जाता है, अभी बंद है, और घूम के भी आपको मिलेगा शायद। हम लोगों को हॉस्पिटल जाना है तो पूछ लेता हूँ हॉस्पिटल के बारे में।
गेट क्रॉस कर रहा हूँ, यही है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मेन गेट, और देखो कितना क्लीन है। और ये जो हॉस्पिटल है ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। यहाँ पे जाने के बाद पूछता हूँ कहाँ पे रेबीज वैक्सीन लगाता है, रेबीज वैक्सीन लगाऊँगा, फिर यहाँ से हॉस्टल जाना है हम लोगों को, हॉस्टल में बाइक पार्क करूँगा यहाँ पे, और उसके बाद फ्रेश होके थोड़ा रेस्ट लेके फिर वी आर इन शांति स्तूपा इन ले। ये शांति स्तूपा 9 PM तक ओपन रहता है। ये थोड़ा सा ऊपर में है, ये पहाड़ में लोग देख सकते हो। यहाँ से एंट्री वाला गेट है ये शांति स्तूपा का। हम लोग यहाँ पे आए हैं ले का मेन मार्केट जहाँ पे है, यहाँ पे आ गए। थोड़ा वो मार्केट अभी बंद होने जा रहा है, थोड़ा लेट हो गया हम लोग आने में। सामने जाओगे, सामने में भी गया वहाँ पे, सामने आपको फ्रूट ड्राई फ्रूट का आपका मार्केट लगेगा, और उसका बाजू में आपको चिकन मटन ऐसा मिलेगा। यहाँ पे बीफ पोर्क ये सब एकदम नहीं चलता है, ये लोग खाता ही नहीं है। हाँ, और हम लोग यहाँ पे आए हैं की चेन के लिए। मेरे पास की तो है लेकिन उसका रिंग नहीं है। ओ आपका ओम माए जो लिखा रहता ना, हाँ हाँ इसमें छोटा बड़ा सब है। कितना छोटा कितना बड़ा कितना बड़ा लंबा ये वाला है। हाँ। ये वाला 100 का है। अब क्या छोटा वाला दिखा। इतना लोगे आप? हाँ जी? इतना है महंगा, क्या करेगा? इसमें जूले लिखा है, जूले मीन्स हेलो। आई नो जूले। अब ठीक से बोलो, एक लेना है मेरे को एकदम से। 50 50 है। अच्छा, मैं दो आपको ले आने को।
बता सकते हैं। हम लोग ने ये वाला लिया अभी, यहाँ पे झूले लिखा है। झूले मीन्स, झूले मीन्स आप बोलो। हेलो नमस्ते। हाँ ये सब आपको सब कुछ मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं? मोंक। लामा थोड़ा देर घूमेंगे। हाँ देखो कितना सुंदर यहाँ पे पूरा लामा का जगह है। हम लोग थोड़ा देर यहाँ पे घूमेंगे, उसके बाद यहाँ से आ जाएंगे कल। उसके बाद कल कहाँ मिलेंगे पता नहीं। ऑक्सीजन ठीक है सर, फटाफट। सिटी घूमोगे तो एक बार तो जर्मन बेकरी आना चाहिए आप लोगों को। जर्मन बेकरी यहाँ पे फेमस बेकरी है, यहाँ पे आओ। और ये आप मार्केट से आओगे, ठीक है, मेन मार्केट से आओगे, IDBI का बैंक है सामने देखो, ठीक है, जस्ट उसका ऑपोजिट में आपको जर्मन। चलो मिसल पाव खाएंगे जाके। हाँ थोड़ा देर पहले हम लोग बाहर से आया और अभी हम लोगों का डिनर चल रहा है। और यही मज़ा आया हॉस्टल में रहने का, एक साथ डिनर करना, एक साथ खाना खाना, एक साथ मस्ती करना, बातें करना और एक साथ रहना, वही हॉस्टल का एक अलग मज़ा है। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ हॉस्टल में रहना। और आज के लिए ब्लॉग इतना ही, कल मिलेंगे नया जगह पे, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। कोई है ना रूम घर पे है? हाँ हाँ थोड़ा ये देने के लिए बोलो ना, थोड़ा नमक होगा। थोड़ा नाम क्या है? हाँ सन सन सनचिन देवी। अरे थोड़ा सा नमक।